तो एफ एक्स इज अनबाउंडेड फॉर एट ए और बी। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखिए कि इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स हो, या इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू बी एफ एक्स डी एक्स हो, या इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स हो। तो ये जो ऊपर के तीन एग्जाम्पल हैं, इसमें ये है कि ए और बी में से कोई अगर एक इनफाइनाइट है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। फिर एक एग्जाम्पल फोर क्या है, देखिए इंटीग्रल 0 से 2 1 अपॉन x² dx है, तो लोअर लिमिट x के प्लेस पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अनबाउंडेड हो जाएगा, यानी 1 अपॉन x² इज अनबाउंडेड एट x = 0। इसी तरीके से एग्जाम्पल फिफ्थ में भी है कि हम उसमें मतलब इन दोनों में से कोई एक हो, तो अगर हम फोर की वैल्यू पुट करते हैं तो भी आपका 1 अपॉन 0 इंफिनिटी होगा, तो उसको भी हम अनबाउंडेड कहेंगे। तो इस तरीके से हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल उसको कहते हैं कि जिसमें लोअर लिमिट या अपर लिमिट कोई एक इनफाइनाइट हो, या दोनों हो, या आपकी एफ एक्स में लोअर लिमिट या अपर लिमिट रखने पर अगर वो अनबाउंडेड हो रहा है, अनबाउंडेड मीन्स इनफाइनाइट हो रहा है, तो भी वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, और सेकंड है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। तो हेयर लिमिट इज अनबाउंडेड। फर्स्ट है हेयर लिमिट इज अनबाउंडेड इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, और इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू बी एफ एक्स डी एक्स, और इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स। अगर इस टाइप के आपके इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं तो है, लेकिन अगर एक्स की वैल्यू ए यानी एफ एक्स में ए पुट करें या बी पुट करें, अगर इंफिनिटी आ जाता है तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड है। तो ये पेज समझ में आया, देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। इज इट एनी प्रॉब्लम, प्लीज आस्क मी। इस पेज में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस किसको कहते हैं? द इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज फाइनाइट एंड यूनिक, देन इट इज कन्वर्जेंट इंटीग्रल। यानी अगर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, और अगर उसकी वैल्यू उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आती है या यूनिक, तो हम इसको कन्वर्जेंट इंटीग्रल कहते हैं। डाइवर्जेंट इंटीग्रल क्या है? द इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इफ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज इनफाइनाइट, देन इट इज डाइवर्जेंट इंटीग्रल। प्रोसेस इंटीग्रल ए टू बी इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स है, तो उसको हम कैसे करते हैं न्यूमेरिकल को, उसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। फिर इसको हम इवालुएट करेंगे यानी इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। अगर वो फाइनाइट आ जाता है तो वो कन्वर्जेंट है, अगर इनफाइनाइट आता है तो वो डाइवर्जेंट है।
जैसा कि एक न्यूमेरिकल हमने लिया है, लिखा है टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स डीएक्स। तो हमने इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स डीएक्स लिया है। अब इसको देखिए, इंफिनिटी हटा के वहां पे एक्स रख दिया है और बाहर लगा दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 0 टू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स डीएक्स। e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट रख दिया है और इस तरीके से आ गया है माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस वन। अब x के प्लेस पे इंफिनिटी रखेंगे और e की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है, इसकी वैल्यू वन आ गई यानी फाइनाइट आ गई। तो हम कह देंगे सो दैट द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो इस तरीके से ये जो गिवन इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है। अब इसमें देखिए कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए इस पेज में। सर ये फाइनाइट एंड यूनिक, मतलब यूनिक कैसे होगा? यूनिक का मतलब होता है एक वैल्यू है, ठीक है। यूनिक का मतलब है जैसे इंटीग्रल में एक वैल्यू आती ही है तो वो समझ लीजिए फाइनाइट होना चाहिए बस। यूनिक का मतलब वन नहीं है, वो तो यूनिट होता है। यूनिक का मीनिंग होता है एक वैल्यू हो। और किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछिए फिर आगे बढ़े हम। समझ में आया बेटा? कहीं कोई प्रॉब्लम है पूछिए। ये इंटीग्रेशन है e की पावर माइनस एक्स का, e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, वैल्यू रख दिया अपर लिमिट लोअर लिमिट की और e टू द पावर माइनस इनफिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। आगे बढ़े। अटेंडेंस लगा ली थी मेरी। हाँ हाँ बेटा अटेंडेंस लगा दी। सर हम लेट 9 बजे ना? अरे लेट है तो हमने पता। ओके सर, थैंक यू सर। सर माइनस इनफिनिटी की जगह अगर इनफिनिटी होता तो माइनस इनफिनिटी नहीं, वो तो अपर लिमिट जानते हैं। जब जैसे अभी आएंगे और भी न्यूमेरिकल, लोअर लिमिट तो हमेशा नीचे से ऊपर जाता, अपर लिमिट में कभी माइनस इनफिनिटी नहीं होता है बेटा। उसमें माइनस एंट्री होगा तो हम माइनस एंट्री पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इंटीग्रल जीरो टू एक्स, वो आपका क्या था, जीरो टू इंफिनिटी था तो हमें इंफिनिटी को रिप्लेस करके एक्स लिया है। अभी और भी एग्जाम्पल आएंगे, अभी आपको हम दिखाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा है टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ इंटीग्रल। यहां पे ये माइनस लिखा है, जूम करके देखेंगे जो सेकंड वाला उसमें माइनस इंफिनिटी टू जीरो है। यस सर। ज़ूम करके देखिएगा तो माइनस इंफिनिटी टू जीरो है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया है हमने, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी इंटीग्रल एक्स टू जीरो ई टू द पावर एक्स पी एक्स।
तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो इस तरीके से हो जाएगा 0 टू 0 रखा है तो e की पावर 0 1 होता है, तो 1 माइनस e टू दी पावर x। अब हम x के प्लेस पे माइनस इनफिनिटी पुट कर दिया है तो e की पावर माइनस इनफिनिटी 0 होता है, तो ये भी आपका कन्वर्जेंट हो गया है। अब आप एक काम करिए, सेकंड थर्ड और फोर्थ अपने आप देखिए, समझिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। सभी बच्चे थर्ड और फोर्थ देखे समझे, और कोई भी लाइन ना समझ में आए तो पूछिए। समझ में आया बेटा? सर थर्ड थर्ड क्वेश्चन में था, सेकंड स्टेप में सर क्या किया है, जीरो से एक्स से लिमिट कैसे हो गई? अरे ये प्रॉपर्टी है डिफिनिट इंटीग्रेशन की, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, वो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इवन ऑड की। Yes, अगर इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है, तो अगर एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है, yes, sir, yes, और टू टाइम्स हो जाता है जीरो टू, समझ गए? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, टू टाइम्स ऑफ जीरो। समझ में आया? और टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है? पाई बाई टू होता है, और टेन इनवर्स जीरो क्या होता है? जीरो होता है। फोर्थ वाला पढ़ समझिए, फोर्थ वाला भी आसान है। सेकेंड और फोर्थ जो है बस सेम है, सेकेंड क्वेश्चन में माइनस इनफिनिटी टू जीरो था और फोर्थ में जीरो टू इनफिनिटी है। यस सर। ओके आगे बढ़े बेटा। सर ये फर्स्ट काइंड है या फिर सेकेंड काइंड है? हाँ ये फर्स्ट काइंड है या सेकेंड काइंड है? अरे बेटा फर्स्ट काइंड, फिर से समझिए, फर्स्ट काइंड उसमें होता है जिसमें लिमिट का हेयर फेयर है, यानी माइनस इनटू इनफिनिटी हम करते हैं, और सेकंड वाले में अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, सेकंड तो लास्ट में थोड़ा सा एक लाइन का है। ठीक है सर, ठीक है, अभी ये सर लेट से जॉइन हुए हैं। हां और सेकंड में होता है फंक्शन पुट करते हैं, अभी पहला पेज आपको दिया है, देखिएगा उसमें अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें जो हेडिंग है वो हमने नीचे लिखी है, अब यहां से स्टार्ट। वो जो अभी तक थे वो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के एग्जाम्पल थे, मतलब किस तरीके से न्यूमेरिकल कराते हैं। अब यहां से स्टार्ट है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, जो सबसे नीचे हेडिंग है, ऊपर जगह नहीं थी तो नीचे हेडिंग डाल दिया हमने, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। उसमें पहला टेस्ट है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, जहां पे ए है पॉजिटिव। अब इसके चलेंगे,
तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में कई टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है, यूनिक टेस्ट है, चार पांच टेस्ट हैं, लेकिन आपके हमने सिलेबस में सिर्फ दो ही टेस्ट रखे हैं। तो इसमें आपका जो टेस्ट का जो वो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स है, जहां पे ए है पॉजिटिव। तो पहला टेस्ट देखिए, कंपेरिजन टेस्ट, इसको समझिए। लिखा है लेट एफ एक्स एंड फाइव एक्स बी टू फंक्शंस, एफ एक्स और फाइव एक्स दो फंक्शन है विच आर बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल इन इंटरवल ए टू इंफिनिटी, यानी ए और इससे इंफिनिटी के बीच में बाउंडेड भी है और इंटीग्रेबल भी है, यानी इंटीग्रेशन भी हो जाता है, उसकी फाइनाइट वैल्यू भी आती है। Also let fx is positive, और हमने मान लिया fx जो है वो पॉजिटिव है, जहां पर mod of fx जो है वो less than equal to fx है। यानी अभी हम इसमें बताएंगे आपको कि ये जो इंटीग्रेशन के अंदर है फंक्शन, इसी में हम fx और phi x को निकालते हैं, वो एक टेक्निक होती है, उसी के जरिए निकालते हैं। तो अगर mod of fx जो है वो लेस देन इक्वल टू एफ एक्स है, जहां पर एक्स की वैल्यू जो है ए से बड़ी है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, देन फर्स्ट है इफ इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, अगर इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट है तो इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी फाइव एक्स डी एक्स भी कन्वर्जेंट होगा। यानी मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन है तो आपका कन्वर्जेंट रहेगा, और अगर सेकंड है इफ मॉड ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स नॉट इज लेस देन एक्स टू ए, एक्स नॉट ए कोई वैल्यू है, एंड इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट, अगर ए से इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स डाइवर्जेंट है तो फाइव एक्स डी एक्स भी डाइवर्जेंट होगा। This is the comparison test. फिर से मैं बता रहा हूं, ये definition, आपकी test की definition है कि अगर कोई integral है, integration के अंदर जो function fx है, हम यहां पे उसी में से हम phi x भी निकाल देते हैं, जहां पर अगर mod of phi x जो है fx से छोटा है तो समझ लीजिए convergent है, तो अगर mod of fx greater than fx है तो divergent है। तो ये चीज तब समझ में आएगी जब आप एक दो numerical देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। जिसमें पहला लिखा है method apply for numericals, ये एक numerical है और एक method भी है जो कि numericalों में हम यूज करते हैं। तो लिखा है test the convergence of integral a to infinity 1 upon x की पावर n dx, जहां पे a पॉजिटिव है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल a टू x 1 upon x की पावर n dx, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी हमने वैल्यू रख दिया है, अब आ गया है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर माइनस n अगर 1 से ग्रेटर है, तो n की वैल्यू अगर 1 से है ग्रेटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस n जो है लेस देन 0 है, यानी 1 माइनस n क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव अगर ये जब निगेटिव होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x की पावर 1 माइनस n क्या हो जाएगा, भाई यहां रखेंगे ये निगेटिव है तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहां पे देखिए पहला केस समझ में आया, डिफिनीशन तो अभी पढ़िए, डिफिनीशन के लिए अभी न्यूमेरिकल बताएंगे। और ये वाला जो न्यूमेरिकल है एक मेथड है, न्यूमेरिकल भी है मेथड भी है, दोनों चीजें हैं। कंपैरिजन टेस्ट में अभी न्यूमेरिकल नहीं आया है।
देखिए समझिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए इस पेज पर। सर फर्स्ट केस एक बार फिर बता दीजिए। हाँ फर्स्ट केस तक समझ में आ गया सर, उसके ऊपर का समझ में आ गया सर, वो इंटीग्रेशन कैसे हुआ, फर्स्ट केस में क्या हुआ नहीं समझ में आया। हाँ तो देखिए अब पहला केस ले, इसमें तीन केस होते हैं, एक होता है n इज ग्रेटर देन वन, एक होता है n इज लेस देन वन, एक होता है n इज इक्वल टू वन। तो n इज ग्रेटर देन वन का मतलब हो गया वन माइनस n इज लेस देन जीरो। n is greater than one, भाई one इधर है वो इधर आ गया। Yes sir. या ऐसे समझ के n उधर चला गया तो one minus n is less than zero, इसका मतलब less than zero का मतलब क्या हो गया negative। Yes sir. यानी one minus क्या हो गया negative हो गया। तो x की power अब देखिए infinity है, तो x की power जो है वो negative का मतलब हो गया minus कोई number मान लीजिए, ठीक है minus x मान लीजिए, अब हम जब value रखेंगे तो zero हो जाएगा। या ऐसे समझिए, देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, x की पावर 1 माइनस n है, 1 माइनस n क्या है निगेटिव है, तो वो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1, समझ रहे हैं। यस सर, यस सर। तो नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम जब रखेंगे x के प्लेस पे इंफिनिटी तो 1 अपॉन x 1 अपॉन इंफिनिटी की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। और इंफिनिटी की पावर तो वन अपॉन इंफिनिटी की पावर एन माइनस वन क्या होगा, वो भी इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी, यस सर। हाँ क्योंकि इंफिनिटी के केस में आप जानते हैं क्या जानते हैं कि इंफिनिटी की पावर में अगर कोई कांस्टेंट हो तब भी इंफिनिटी होगा, और इंफिनिटी अगर किसी की पावर में है तब भी इंफिनिटी होगा, और हर केस में यानी इंफिनिटी के साथ कोई चीज ऐड करेंगे तब भी इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी के साथ कोई चीज सब्सट्रैक्ट करेंगे तब भी इंफिनिटी होगा, यानी हर एक केस में इंफिनिटी होगा बस एक केस छोड़ के, क्या कि वन अपॉन इंफिनिटी क्या होता है जीरो होता है, जीरो इंफिनिटी नहीं, समझ गए। यस सर। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, अगला केस अब बता रहे हैं। अब नेक्स्ट केस देखिए, अब देखिए तो इसका मतलब हो गया वो जीरो, तो अब वो वाला टर्म जीरो हो गया, तो ये टर्म बचा है नहीं, अब उसमें देखिए उसको बाइफरकेट कर दीजिए, तो पहला वाला टर्म तो जीरो हो गया, तो दूसरे वाले टर्म में क्या आ गया, ये चीज ये है क्या फाइनाइट है, तो ये इंटीग्रल क्या हो गया कन्वर्जेंट हो गया, यानी एन इज ग्रेटर देन वन पे क्या हो गया कन्वर्जेंट हो गया। अब वो चीज जहन में रखिए क्या जो इंटीग्रेशन का सॉल्व हुआ था। अब दूसरा केस लेते हैं, n इज लेस देन वन, n इज लेस देन वन का मतलब हो गया वन माइनस n इज ग्रेटर देन जीरो, n इज लेस देन वन का मतलब क्या हो गया वन माइनस n इज ग्रेटर देन जीरो, यानी वन माइनस n पॉजिटिव हो गया, तो 1 माइनस n जब पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x के प्लेस पे रखेंगे तो इंफिनिटी हो जाएगा। yes, और इंफिनिटी के साथ में हम वो चीज सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे इंफिनिटी माइनस a की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस n, तो भी वो इंफिनिटी रहेगा, तो उस केस में हो जाएगा इंटीग्रल डाइवर्जेंट। यस सर। अब तीसरा केस है कि अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो आप ये जानते हैं n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 अपॉन x क्या होता है log x होता है, तो लिमिट रखेंगे log x माइनस log a, अब x के प्लेस पे जब इंफिनिटी रखेंगे तो log इंफिनिटी, और log इंफिनिटी भी आपका इंफिनिटी होता है, तो इस तरीके से ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इससे कंक्लूजन निकला, क्या निकला कि इंटीग्रल a टू इंफिनिटी 1 अपॉन x की पावर n dx
ये कन्वर्जेंट तब होगा जब वन की वैल्यू एन इज ग्रेटर देन वन, और डाइवर्जेंट तब होगा जब एन इज लेस देन इक्वल टू वन। तो इस ये एक न्यूमेरिकल भी है और एक मेथड भी है, कहीं कहीं इसका हम यूज करेंगे। देखिए समझिए सभी बच्चे, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए कि एक न्यूमेरिकल है आपका। ये क्वेश्चन समझ में आया, इंटीग्रल a टू x वन अपॉन x की पावर dx कन्वर्जेंट इफ n इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1। अभी हमने ये वाला पॉइंट एक बार और, ये n सेकंड कौन सा, ये व्हेन n इज लेस देन 1 का। यस सर। देखिए लेस देन वन का मतलब हो गया वन माइनस एन इज पॉजिटिव, लेस देन भाई अभी देखिए इससे पहले वाले हमें अभी बताया है हमने आपको कि एन इज ग्रेटर देन वन, तो ग्रेटर देन वन का मतलब हो गया आपका भाई वन उधर चला जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही देखिए यहाँ सामने लिखा है एन इज लेस देन वन, तो n is less than 1 का मतलब हो गया n उधर गया ना, तो n उधर जब जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस n, 1 माइनस n क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0। यस यस भाई, वो एक साइन भी होता है, अगर कि साइन चेंज होता है तो वो आपका चेंज हो जाता है, मालूम है कि नहीं ये चीज। यस सर, इनइक्वालिटी नहीं रहती। इनइक्वालिटी में ये आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा 11th क्लास में या लोअर क्लास में भी है, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, वन माइनस एन पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव के केस में वैसे ऊपर ही रहेगा न्यूमरेटर में ही, तो एक्स के प्लेस में जब इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी रखने पे इन्फिनिटी के साथ में कोई चीज मैंने अभी बताई है कि ऐड करें या सेपरेट करें सब इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए पूरा आपका जो वैल्यू है वो पूरी इन्फिनिटी हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर वाले में ऐसा नहीं था, क्योंकि इसके जो फर्स्ट वाला पॉइंट था उसमें जब हम रखते हैं इन्फिनिटी तो वन अपॉन थ्री जीरो हो जाता है, समझ रहे हैं। तो जब जीरो हो जाता है तो वो फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, क्योंकि पहला टर्म सिर्फ जीरो होता है, और इस केस में जब रखते हैं इंफिनिटी तो इंफिनिटी के साथ में जो टर्म है वो भी इंफिनिटी बन जाता है। तो इस तरीके से अगर n की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट है, और लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट है। तो अभी हमने आपको कंपैरिजन टेस्ट हमने बताया है, तो उसके ये न्यूमेरिकल फिफ्थ है। फिर से मैं अब कंपैरिजन टेस्ट की बात कर रहा हूँ। कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन के अंदर जो एफ एक्स होता है उसी में से हम फाई एक्स और एफ एक्स निकालते हैं, हम अलग से कहीं कुछ नहीं करते हैं। ये नहीं अलग से आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, उसी के अंदर होगा, आपको उसको देखना होगा। देखना क्या है कि यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमने यहाँ सपोज कर लिया है कि फाई एक्स जो है कॉस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, और एफ एक्स हमने सपोज कर लिया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है। अब आपकी दो कंडीशन थी कंपैरिजन में, एक ये है
कि मॉड ऑफ आई एक्स अगर लेस देन इक्वल टू एफ एक्स है तो आपका कन्वर्जेंट होगा, और अगर मॉड ऑफ एफ एक्स फाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू है एफ एक्स तो डाइवर्जेंट होगा। तो वो कब होगा, जब इंटीग्रेशन आपका कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट है फाई एक्स, और अगर एफ एक्स वाला डाइवर्जेंट है तो फाई एक्स भी डाइवर्जेंट होगा। तो अब देखिए, तो इसमें हमने आपको सपोज किया था आप ये जानते हैं क्या कि अभी हमने एक फाई एक्स क्या है, फाई एक्स है आपका कॉस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और एफ एक्स है वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए कि मॉड ऑफ फाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स वाला है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ कॉस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू लेस देन होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि cos x की वैल्यू 1 से माइनस 1 के बीच में ऑसिलेट करती है, यानी मॉड ऑफ cos x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या होगा, जो आपका ब्रैकेट में लिखा है उसकी मदद से हम इसको लेस देन इक्वल टू 1 करते हैं, हम ऐसे ही नहीं लिख देते हैं, क्योंकि लिखा भी है सिंस मॉड ऑफ phi x is less than equal to 1 है। क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि cos x की वैल्यू जो होती है वो माइनस 1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करती है, यानी उससे बड़ी नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से ये चीज हो गई आपकी। अब यहाँ पे क्या हो गया है, ये आपका mod of phi cos x is 1 upon 1 plus x square is less than equal to 1 है, and also